गैस एवं पेट भारीपन से कैसे बचे, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त अन्य महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखो, गैस पास करना ये काफ़ी एम्बेरेसिंग होता है। जब हम सोशल गैदरिंग में हैं या कहीं लोगों के साथ में बैठे हैं और वो स्पेशली आवाज़ जब करता है तब, या फिर बहुत गंदी बांस जब आती है तब, बहुत ही एम्बेरेसिंग होता है। और फिर वो काम में भी डिस्टर्ब करता है क्योंकि पेट फुला हुआ है, फिर तो काम में मन नहीं लगता। ऐसा बड़ा पेट लेके ऐसा अनकंफर्टेबल फील होना और काम नहीं करते आना, वो कोई सीरियस बीमारी नहीं है, मगर वो अपने डेली रूटीन में इंटरफेयर करते रहते। नॉर्मल लोग जो है वो 15 से 20 गैस दिन में, गैस 15 से 20 बार गैसेस पास करते हैं नॉर्मल। मगर एम्बरेसिंग कब होता है वो, कि जब बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा पेट फुला हुआ है, या बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, ठीक नहीं लगता है, या उसको बहुत बास आ रही है और सब वातावरण खराब हो गया है, और वो रोज के काम में अपने को डे टू डे इंटरफेयर करता है, तो समझना कि ये गड़बड़ वाली बात है। यदि बार 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 आपको पेट अपसेट होता है, बार बार कभी डायरिया लगता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट फूला रहता है या ढकार आती है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। ढकार आना, उससे भी बड़ा आवाज़ जब लोगों को आता है तो भी वो अच्छा लगता नहीं है वो, और उसमें खाना वापस आना, मतलब ऐसा ऊपर ऊपर आना खाना, या बहुत ज़्यादा एसिडिटी होना, तो ये भी ऐसा हो रहा है आपको, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अलार्मिंग सिम्टम्स क्या है, बहुत ज़्यादा, मतलब जिसकी हमने जिसको एक्नॉलेज करना चाहिए कि ये सिम्टम्स है, तो तुरंत डॉक्टर को कॉल करना है। एक तो है कि अपना वजन कम हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है। दूसरा है कि खून कम हो रहा है, एनीमिया हो रहा है। तीसरा है कि लेटरिन में कभी कभी ब्लड जा रहा है। चौथा है कि भूख कम हो रही है। पांचवा, पेट में ऐसे गांठ गठान महसूस हो रही है, उससे भी ऐसा घूम रहा है ऐसा लगता है। छठवा है पेट में दर्द, और सातवा है हवा पास होना बंद हो जाना। ये यदि ऐसा है तो फिर तुरंत आपको डॉक्टरों को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और आपको इलाज करना पड़ेगा। आपको ये देखना है, कुछ कुछ लोगों को फूड एलर्जी होती है, कि पर्टिकुलरली फूड खाए, वो खाना खाए तो उनको बहुत एलर्जी होती है। तो जिनको जिनको एलर्जी है तो उन्होंने देखना चाहिए कि भाई कौन से फूड खाए, कौन सा खाना खाए तो एलर्जी होंगी नहीं। जैसा कुछ लोगों को दूध पिए तो एलर्जी होती है, कुछ लोगों को बैंगन खाते हैं तो, कुछ लोगों को प्याज खाते हैं तो एलर्जी होती है, कुछ लोगों को भिंडी या टमाटर, ऐसे अलग अलग लोगों को चीज़ों की एलर्जी होती रहती है। कुछ लोगों को फूड सेंसिटिविटी होती है, और कुछ ऐसे पर्टिकुलर फूड खाए तो एकदम स्टमक अपसेट हो जाना, पेट में दर्द होना, फिर जी मछलाना, या उल्टी होना, या पेट में गैस होना, बड़ा बड़ा सा पेट हो जाना, डायरिया लगना, ऐसा होता है। क्या होता है कि मिल्क जो है तो इनटॉलरेंट कुछ कुछ लोगों को होता है, बिल्कुल ले ही सकते नहीं मिल्क। वो क्यों होता है, क्योंकि लैक्टेज एंजाइम की डिफिशियंसी वो लोगों में होती रहती है। तो जो लोगों में लैक्टेज एंजाइम की डिफिशियंसी होती रहती है तो उनको बड़ा प्रॉब्लम करता है, मिल्क जन्य दुग्धजन्य पदार्थ या मिल्क खाए तो उनको प्रॉब्लम आ जाता है। तो फिर आपको क्या करना होगा कि कौन से डाइट, कौन से खाने अपने को चलती नहीं, उसकी लिस्ट बनाओ और वो बाजू में रख दो, वो करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, गैस बनाने वाले प्रोडक्ट्स जो है स्पेशली, तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स रहते हैं कि जिससे ज़्यादा गैस बनता है, बीन्स, फिर जो इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है, ज़्यादा फाइबर तो वो गैस बनाता है, या ग्रेन्स, वो ज़्यादा बनाते हैं फाइबर, वो ज़्यादा ग्रेन्स जो है ना वो ज़्यादा गैस बनाते हैं, तो हमने वो टालना चाहिए। तो फिर हमको देखना चाहिए कि फिर ऑल्टरनेट डाइट कौन सा लेना है। कम गैस वाले जो पदार्थ है, जिसमें रोस्टेड चिकन है या बॉइल्ड एग है, प्रोटीन्स है, तो वो कम गैस वाले हैं। ये कोका कोला या फ्रेंटा, ये जो है ना, जो जिसमें गैस बहुत ज़्यादा होता है वो आप लेते हैं तो और ढकार आते जाएंगे और गैसेज ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो भी टालना चाहिए। अल्कोहल जो लोग लेते हैं, अल्कोहल तो बाय एंड लार्ज लेना ही नहीं चाहिए लोगों ने। एक तो वो एसिडिटी कॉज कर सकता है, लिवर डैमेज करता है, और यदि आपको बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप प्रोबायोटिक कैप्सूल ले सकते हैं। कुछ गैस की मेडिसिन, मतलब गैस के नाम से ही काफ़ी मेडिसिन आयुर्वेदा में, एलोपैथी में उपलब्ध है, तो आप ले सकते हैं जिससे गैस कम होता है। और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो वो लेते हैं तो वो फ़ायदा होता है, एंटासिड से फ़ायदा हो जाता है। स्मोकिंग आपको पूरी बंद करना है, स्मोकिंग से भी नुकसान होता है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा फटाफट फटाफट खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा एयर जाती है अंदर, तो उससे फिर गैस होता है, या खाना खाते के समय आप जब बातें करते हैं तो उससे भी काफ़ी एयर जाती है, तो वो भी हमने देखना चाहिए। फिर स्ट्रॉ सकिंग, मतलब हम स्ट्रॉ से सक करके जब कुछ लेते हैं तो उससे भी गैस अंदर जाता है, तो ये भी हमने टालना चाहिए। अभी ये तो है दवाइयाँ, हम दवाइयाँ देते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए, या गैसेस के लिए, या पेट दर्द है उसके लिए।
और दवाइयाँ जो है वो एलोपैथी आयुर्वेदिक ऐसे मिक्स हम देते हैं, और इसके अलावा हम रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बोलते हैं कि भाई रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करो, हिप्नोथेरेपी करो, या आप करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आपको लिक्विड ज़्यादा लेने का है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा पियो तो उससे भी गैसेस कम हो जाएंगे। मेरे काफ़ी सारे वीडियोस IBS के बारे में हैं, उससे काफ़ी सारे लोग हमारे पास में आते रहते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स IBS के बने हुए हैं इंडिया में, और वो ग्रुप्स में भी मेरा नाम रिकमेंड किया जाता है कि भाई उनके पास में चले जाओ। दूर दूर से लोग आते हैं IBS ट्रीटमेंट के लिए और वो अच्छे होकर चले जाते हैं। हम उनको 7-8 दिन 10 दिन यहाँ रखते हैं, और मतलब बाहर बहुत दूर से आते तो उनको रुकना पड़ता है। फिर हम उनको नार्कोथेरेपी करते हैं, पेंटोताल थेरेपी करते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं और उनसे, और हिप्नोथेरेपी करते हैं, उनसे बहुत उनको फ़ायदा हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी IBS ग्रुप जो है आपके बने हुए, फेसबुक के ऊपर भी काफ़ी IBS ग्रुप्स हैं, वो लोगों को शेयर करो, आपके दोस्तों को शेयर करो, ताकि उनको ये वीडियो का फ़ायदा होगा और उनकी बीमारी बैठ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।